गोरखपुर के थाना गोला के देवकली गांव से एक सूचना प्राप्त हुई कि एक इंद्र बहादुर मौर्य जो कि 42 वर्षीय सब्जी विक्रेता हैं, अपनी पत्नी, एक बेटा और बेटी के साथ यहां गांव में एक मकान में रहते हैं। आज सुबह मकान के पीछे जो खेत हैं वहां पर काम करने वाले व्यक्तियों ने देखा कि उनके गांव उनके घर के रोशनदान से धुआं निकल रहा है। देखने के बाद वो इनके घर पर आए और दरवाज़ा खुलवाने की कोशिश की, परंतु जैसा कि उनके द्वारा बताया गया कि दरवाज़ा अंदर से बंद था। उनके द्वारा कुछ और ग्रामवासियों के सहयोग लिया गया, सभी ने मिल कर के दरवाज़ा बलपूर्वक यहाँ पर खोला। अंदर जाने पर देखा कि जो ये इंद्र बहादुर मौर्य हैं, ये जलती हुई अवस्था में इनकी बॉडी है और इनकी पत्नी और बच्चों की भी जो डेड बॉडी है वो बगल में पड़ी हुई है। इनके द्वारा तत्काल पानी से उस आग को बुझाया गया। स्थानीय पुलिस को इस बात की सूचना दी गई। मौके का मुआयना सभी अधिकारियों द्वारा और फोरेंसिक टीम द्वारा किया गया है। बॉडीज़ को मॉर्चरी में शिफ्ट कर दिया गया है। इस संबंध में जो भी मौके के एविडेंसेस हैं और जिन भी लोगों को इस बारे में जानकारी है उनसे जानकारी की जा रही है, एविडेंसेस को इकट्ठा किया जा रहा है। परिजनों को सूचना इस संबंध में दे दी गई है। जो ग्रामवासियों से बात आ रही है कि घर के अंदर ही संभवतः रात में इनके द्वारा पहले अपने पत्नी और बच्चों के साथ घटना कारित की गई और फिर स्वयं के साथ आग लगाने की घटना जो है वो कारित की गई है। इस घटना से संबंधित सभी पहलुओं की जांच की जा रही है और जांच के बाद अग्रिम की विधिक कार्रवाई की जाएगी।